हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों में आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनी टीचर नियुक्त किए हैं। गृह रक्षा पांचवी वाहिनी बिलासपुर के विषय कुमार राणा को राजकीय माध्यमिक पाठशाला जोल में गृह रक्षा विभाग द्वारा नियुक्त किया गया है। विजय कुमार राणा ने स्कूल के छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए और साथ ही बाढ़, भूकंप और भूस्खलन जैसी आपदाओं से बचने के गुर भी सिखाए। विजय कुमार राणा ने बताया कि उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह रक्षा विभाग द्वारा सेल्फ डिफेंस के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने मात्र 10 दिनों में स्कूल की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए और साथ ही आपदा से निपटने के तरीके भी बताए। मैं विजय कुमार राणा, गृह रक्षा पांचवी वाहिनी बिलासपुर से हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार मुझे गृह रक्षा विभाग की ओर से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए नियुक्त किया गया है। मात्र 10 दिन में छठी से लेकर आठवीं तक की छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई व इसके साथ साथ बचाव के आपातकालीन तरीके सिखाए गए। छात्रा महक ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए, जिसमें जूडो, कराटे और विपरीत स्थिति में किस तरह से अपनी सुरक्षा की जाए इसके बारे में बताया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि आपदा से बचने के तरीके भी बताए गए। मेरा नाम मयंक शर्मा है, मैं राजकीय माध्यमिक पाठशाला जो आठवीं कक्षा की छात्रा हूँ। हम सेल्फ डिफेंस के तरीके सीख रहे हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं और साथ साथ आपातकालीन समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि बाढ़, भूकंप, आग, सुनामी, भूस्खलन इत्यादि। मैं राजकीय माध्यमिक पाठशाला बमले सातवीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमने मात्र 10 दिनों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली, जिसमें हमने आत्मरक्षा के नए नए तरीके सीखे और साथ ही बचाव के आपातकालीन तरीके सीखे, जैसे बाढ़, भूकंप, रोड एक्सीडेंट, भूस्खलन, सांप के काटने पर बचाव के तरीके, CPR, चॉकिंग, घाव, हड्डी के टूटने पर पट्टियों के बारे में सीखा, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा नाम अक्षता राणा है, मैं राजकीय माध्यमिक पाठशाला बम में सातवीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमने मात्र 10 दिनों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली, जिसमें हमने आत्मरक्षा के लिए नए नए तरीके सीखे और साथ ही बचाव के आपातकालीन तरीके सीखे, जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, रोड एक्सीडेंट, सांप के काटने पर बचाव के तरीके, CPR, चॉकिंग, घाव, हड्डी के टूटने पर पट्टियों के बारे में सीखा, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है।